नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत बघेल और आप हैं इस समय हेमंत बघेल क्लासेस में। आज हमारा विषय है अशोक के अभिलेख भाग दो। मैंने अपने पिछले वीडियो में अशोक के अभिलेखों के विषय में प्रारंभिक जानकारी दी थी और इस वीडियो में मैं अशोक के 14 वृहद शिलालेखों के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अशोक के ये 14 शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अशोक के 14 वृहद शिलालेख 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो देखते हैं कि ये 8 स्थान कौन कौन से। परीक्षा में पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो पहला उत्तराखंड के कालसी में, उत्तराखंड के कालसी। अगला है गुजरात के गिरनार से, गुजरात के गिरनार से। अगला है महाराष्ट्र के सोपारा से। अगला है आंध्र प्रदेश के एरारगुड़ी से। अगला है उड़ीसा के धौली और जौगढ़ से। उड़ीसा में दो स्थल हैं, धौली और जौगढ़। ये मैंने 6 स्थल बताए। इन 6 स्थलों से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं जिनकी लिपि ब्राह्मी है। इन 6 स्थलों से प्राप्त अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी है। और इसके बाद अगले जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अगले दो स्थल, वो दो स्थल हैं मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। इनकी लिपि खरोष्ठी है, इनकी लिपि खरोष्ठी है, जो पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। कौन कौन से? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इनकी लिपि खरोष्ठी। और जो शेष जो भारत से जो प्राप्त हुए, जो 6 स्थल, उनकी लिपि ब्राह्मी है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन से शिलालेख की लिपि खरोष्ठी है और किस शिलालेख की लिपि ब्राह्मी है, और स्थल भी आपको याद रखने हैं। अब उड़ीसा से मैंने 2 स्थल बताए, धौली और जौगढ़। तो उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, प्राचीन नाम कलिंग था उड़ीसा का। तो इस कारण से धौली और जौगढ़ के शिलालेख को पृथक कलिंग शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं हम इन 14 शिलालेखों में के विषय क्या क्या थे, मतलब इनमें क्या बातें लिखी गई थी। तो प्रथम शिलालेख में अशोक पशु बलि की निंदा करता है। तो उस समय जो वैदिक धर्म में कर्मकांड, जो वैदिक कर्मकांड किए जाते थे, उनमें बड़ी संख्या में पशुओं की बलि दी जाती थी। तो इसका अशोक विरोध करता है, निंदा करता है। द्वितीय शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। मतलब कि मनुष्य के लिए जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्था है, उसी तरह से पशुओं के लिए भी होना चाहिए, अशोक का ऐसा कहना है। तृतीय शिलालेख में अशोक ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि प्रत्येक हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाइए। अशोक अपने अधिकारियों को कहता है कि 5 वर्ष के उपरांत आप दौरे पर जाइए, अलग अलग स्थान में जाइए, देखिए प्रजा का क्या हाल है, प्रजा सुखी है अथवा दुखी है, दुखी है तो क्यों दुखी है, कहीं कुछ कमी है तो उसका पूरा किया जाएगा। इसलिए वो क्या कहता है अपने अधिकारियों को कि दौरे पर जाइए। इसी तृतीय शिलालेख में अशोक ने धर्म संबंधित कुछ नियमों का भी उल्लेख किया है। इसके अलावा इस तृतीय शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय और बचत को धर्म का अंग माना है। अल्पव्यय मतलब कम खर्च करना और बचत करना, इसको धर्म का अंग मानता है। अब ये धर्म क्या था? तो धर्म, अशोक अपने प्रजा के नैतिक विकास के लिए कुछ आचार, जिन आचारों की संहिता का उल्लेख करता है, उनको उसके शिलालेखों में, अभिलेखों में धर्म के नाम से जाना जाता है। अर्थात कि अशोक अपनी प्रजा के जो नैतिक विकास के लिए उसने कुछ बातें बताई कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो उनको उसके शिलालेखों में धम्म के नाम से जाना जाता है अथवा धम्म के नाम से लिखा गया है अशोक के विचारों को, जो वो प्रजा के नैतिक विकास के लिए बताता है। अब चतुर्थ शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख में अशोक ने धर्म संबंधी शेष नियमों का उल्लेख किया है। पहले तो कुछ नियमों का उल्लेख उसने तृतीय शिलालेख में किया था, बाकी जो बचा हुआ जो भी नियम थे उनको चतुर्थ शिलालेख में। अब पांचवा शिलालेख में अशोक ने धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में बताया है। धर्म महामात्र क्या था? धर्म महामात्र एक पद होता था। अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था कलिंग युद्ध के बाद, तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार, उसकी देखरेख के लिए, उसके विकास के लिए उसने एक पद सृजित किया जिसे धर्म महामात्र कहा जाता था। तो उसका उल्लेख कहाँ है? पांचवें शिलालेख में। छठे शिलालेख में अशोक आम नियंत्रण की बात करता है। आम नियंत्रण मतलब प्रजा पर नियंत्रण। प्रजा पर नियंत्रण का मतलब ये नहीं कि वो प्रजा पर अत्याचार करे। अशोक कहता है कि अपने प्रतिवेदकों से कहता है, अर्थात अपने गुप्तचरों से कहता है कि मुझे प्रजा की हर स्थिति, हर हाल की जानकारी आप लोग दीजिए, चाहे वो रसोई घर में हो, अंतःपुर में हो, या फिर उद्यान में हो, कहीं भी हो,
हर हाल की जानकारी मुझे आप लोग दीजिए। अपने प्रतिवेदकों को ऐसा कहता है कि प्रजा सुखी है या दुखी है, वो सारी जानकारी मुझे होनी चाहिए, ऐसा अशोक कहता है। सातवां और आठवां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तीर्थ यात्राओं से तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण स्थलों की अशोक ने यात्रा की थी, तो उन यात्राओं का वर्णन कहाँ है? सातवें और आठवें शिलालेख में। अब है नौवां शिलालेख। नौवें शिलालेख में अशोक सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात कहता है, सच्चे भेंट और सच्चे शिष्टाचार की बात कहता है। और इसी शिलालेख में, नौवें शिलालेख में ही अशोक जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित की जाने वाली समारोहों की निंदा करता है। जैसे जन्म के समय उत्सव मनाया जाता है, विवाह के समय भी उत्सव मनाया जाता है, तो इन सब की अशोक निंदा करता है। दसवें शिलालेख में अशोक आदेश देता है कि राजा और उच्च अधिकारियों को सदैव प्रजा के हित के विषय में ही सोचना चाहिए। मतलब कि अशोक क्या कहता है कि राजा और उच्च अधिकारियों को प्रत्येक घड़ी, हर पल प्रजा के हित के विषय में ही सोचना चाहिए, ऐसा अशोक कहता है। अब ग्यारहवां शिलालेख। ग्यारहवें शिलालेख में अशोक ने धम्म के वरदान को सर्वोत्कृष्ट माना है। मतलब कि धम्म को ही उसने सर्वोत्कृष्ट माना है। धम्म का मतलब मैं बता चुका हूँ कि जिन मतलब अशोक ने कुछ नियम बताए थे, मतलब कुछ बातें बताई थी प्रजा के नैतिक विकास के लिए, उन्हें ही उसके अभिलेखों में धम्म के नाम से लिखा गया, धम्म कहा गया है। अब बारहवां शिलालेख। बारहवां शिलालेख में अशोक कहता है कि सभी प्रकार के विचारों को समान रूप से माना जाना चाहिए। मतलब कि वह सभी प्रकार के विचारों को समान मानता था। मतलब कि जिसके कोई भी विचार हो तो उसको समान रूप से तवज्जो दिया जाता था, मतलब कि महत्व दिया जाता था, सुना जाता रहा होगा। तो क्या है, अशोक प्रत्येक प्रकार के, हर प्रकार के विचारों को सम्मान दिया जाना चाहिए या दिया गया है। अब इसी शिलालेख में, बारहवें शिलालेख में ही यूनान के शासक एंटियोकस का उल्लेख है। यूनान के शासक एंटियोकस का उल्लेख है। और इसी बारहवें शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल और पांडे राज्यों का भी उल्लेख है, और इसी में ही श्रीलंका का भी उल्लेख है। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कि किस शिलालेख में पांडे चोल शासकों का उल्लेख है, तो ये बारहवां शिलालेख। अब है तेरहवां शिलालेख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेरहवें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और युद्ध किया था उसके साथ। कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का उल्लेख है तेरहवीं शिलालेख में। कलिंग युद्ध के बाद उसमें जो नरसंहार हुआ था, उससे अशोक का जो हृदय है परिवर्तित हो गया था, और उसके बाद उसने हिंसा को त्याग दिया था। तो इसका उल्लेख कहाँ है, तेरहवीं शिलालेख में। अब चौदहवां शिलालेख अंतिम, इसमें अशोक ने अपनी प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का के लिए प्रेरित करता है कि प्रजा को धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो ये थे अशोक के 14 शिलालेख। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में न आया हो, मतलब कहीं कुछ डाउट लगता हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे अशोक के स्तंभ लेख। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। शेयर करेंगे तो दूसरों तक पहुंचेगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।